टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक ऐसे पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं जो आज तक बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस किसी ने सोचा भी होगा इसके बारे में। हम सब लोगों को पता है जब भी हम कोई अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हमारी फर्स्ट डेट 1 अप्रैल है, क्लोजिंग डेट 31 मार्च है। बट वाई सर? ये तो आपका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। जब से हम कॉमर्स फील्ड में आए हैं तब से ये बात हमको पता है कि सर ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। मेरा क्वेश्चन यही है क्यों 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यहां पे मैं आपको ये बता दूं एग्जैक्ट रीजन फॉर स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज अननोन। एग्जैक्ट रीजन क्या है वो आज तक किसी को नहीं पता है। बट जो फाइनेंशियल रिसर्चर है उन्होंने रिसर्च करके 4 पॉइंट हमारे सामने रखे हैं जो ये साबित कर देता है कि वाई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड एट 31 मार्च। जिसमें से फर्स्ट रीजन है इनहेरिटेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ये तो सब लोगों को पता है कि इंडिया पे अराउंड 150 ईयर ब्रिटिश शासन चला था, तो ब्रिटिश कंट्री में यही फाइनेंशियल ईयर अप्लाई होता था 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो हुआ क्या, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एस्टैब्लिश हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्टार्ट हुआ, तब इंडिया में भी यही पैटर्न शुरुआत हो गई। दैट मींस इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट कांट चेंज दिस डेट। मतलब गवर्नमेंट ने भी ये डेट चेंज नहीं की, तो हम यही एक वारसागत फॉलो करते आ रहे हैं कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सेकंड ऑप्शन रीजनल न्यू ईयर। रीजनल न्यू ईयर मीन्स इंडिया ज्यादातर पब्लिक हिंदू है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, दैट मीन्स सोलर और लूनर साइकिल के हिसाब से। इसका मतलब सूर्य और चंद्र के कैलेंडर के हिसाब से हमारा न्यू ईयर 13th, 14th, या 15th अप्रैल को होता है। इसीलिए ये तो एक कोइंसिडेंस है कि अप्रैल में ही स्टार्ट होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी हो सकता है कि 1 अप्रैल को ही फाइनेंशियल ईयर डिसाइड किया है। थर्ड पॉइंट एग्रीकल्चर कंट्री। इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है जहां पे मोर देन 60% इनकम फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। दैट मीन्स मेजोरिटी इनकम इंडिया जो अर्न कर रही है वो प्राइमरी सेक्टर से अर्न कर रही है, और प्राइमरी सेक्टर दैट मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर से कितनी इनकम हो रही है वो कब पता चलेगा? तो ऑब्वियसली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हार्वेस्ट सीजन। हार्वेस्ट सीजन इंडिया में कब होता है? फेब्रुवरी मार्च महीने में जब हार्वेस्ट फिनिश होगा, हार्वेस्ट सीजन कंप्लीट होगा, तभी गवर्नमेंट को पता चलेगा कि इंडिया की इनकम क्या इंक्रीजिंग लेवल पे जा रही है या डिक्रीजिंग लेवल पे जा रही है। इसकी वजह से भी हो सकता है कि नया साल उन्होंने 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर डिसाइड किया हो सकता है। एंड फोर्थ वन फेस्टिवल्स। इंडिया इज द बंच ऑफ फेस्टिवल। इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। रक्षाबंधन से स्टार्ट होता है, गणेश चतुर्थी आती है, नवरात्रि आती है, दिवाली के बाद क्रिसमस। दैट मींस अक्टूबर नवंबर दिसंबर द बंच ऑफ फेस्टिवल। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो होलसेलर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी होती है या फिर छोटे छोटे जो शॉप्स होते हैं, वहां पे ऑटोमेटिक सेलिंग हायर हो जाता है। और सेलिंग हायर होने की वजह से क्या इफेक्ट होगा, बहुत सारी अकाउंट की रिकॉर्डिंग एंट्री करनी पड़ेगी और उसकी वजह से प्रॉपर टाइम नहीं मिलता बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने का। इसकी वजह से भी हो सकता है जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का हमको यहाँ पे गैप देके हमारा फाइनेंशियल ईयर डिसाइड किया गया हो सकता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये था आज का छोटा सा सेशन जो आपका बेसिक नॉलेज तो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हाँ, लाइक करके जाना है यहाँ पे। तब तक आपको ऑल द बेस्ट।